फ्रेंड्स, हर हर महादेव। वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे मेरे यंग भाई बहन वैलेंटाइन डे का वेट कर रहे हैं। जी हाँ, वैलेंटाइन डे हम अपने लव वन को चाहते हैं कि उनको कुछ ऐसा गिफ्ट करें जिससे कि हमारी बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग हो जाए। पर क्या आपको पता है, कभी कभी हम कुछ ऐसे आइटम भी गिफ्ट कर देते हैं ना, जो देने के बाद से हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग तो होती नहीं है, इवन ब्रेकअप हो जाता है और भी बहुत सारी इश्यूज आने लगती है रिलेशनशिप में। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे रीजन ये है कि शास्त्रों में कुछ ऐसे आइटम बताए गए हैं जो हमें भूलकर भी दूसरों को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को वो आइटम गिफ्ट करते हैं तो आपकी लाइफ से आपकी जो हैप्पीनेस है, आपका जो गुड लक है, वो आपके हाथ से निकल करके सामने वाले के पास चला जाता है। ये एक मेन रीजन होता है। तो कौन से आइटम ऐसे हैं जो आपको गिफ्ट नहीं करने हैं, पहले मैं आपको वो बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी आपको कौन से आइटम अपने राशि अनुसार गिफ्ट करने चाहिए। देखिए, कभी भी ना आपको किसी को भी घड़ी, वॉच जिसे हम कहते हैं रिस्ट वॉच, गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो वक्त होता है, घड़ी होती है, वो हमें वक्त का सूचक मानी गई, टाइम बताती है, अच्छा या बुरा टाइम। अगर आपका अच्छा टाइम चल रहा है, आप किसी को वो घड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ में आपने अपना अच्छा टाइम भी गिफ्ट कर दिया, ऐसा मैंने सुना है। अब सेकेंड थिंग जो होती है, हैंकी। बहुत बार हम लोगों को ना हैंकी गिफ्ट कर देते हैं, हैंकी गिफ्ट नहीं करनी चाहिए। थर्ड आइटम जो होता है, हम कभी कभी पेन, सुंदर सी अच्छी सी पेन ही गिफ्ट कर देते हैं, सोच के वाह अच्छी काम की चीज़ है। देखिए, पेन हमें किसी को गिफ्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक विद्या माता का वरदान होता है हमारे पास में, तो पेन आप किसी को गिफ्ट नहीं करेंगे। फोर्थ आइटम होता है परफ्यूम। परफ्यूम भी किसी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि परफ्यूम जो है ना, हम लग्जरी का आइटम कंसिडर करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। अगर आपके पास लग्जरी है, पैसे हैं, तभी तो आप खरीदोगे परफ्यूम, अदरवाइज परफ्यूम कहाँ खरीद पाओगे। तो परफ्यूम जो होता है ना, वो शुक्र प्लैनेट वीनस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हम शुक्र जो है, हमें सुख शांति देते हैं, हमारे लाइफ में लग्जरी देते हैं, आप उनका आइटम किसी और को गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे माइंड में ना एक सबसे अच्छी चीज़ आती है गिफ्ट करने की, भगवान की मूर्तियाँ, फ़ोटो। देखिए, भगवान की मूर्ति और फोटो गिफ्ट नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक ब्राह्मण को ही हक होता है कि वो अपने यजमान को भगवान जी की फ़ोटो या मूर्ति गिफ्ट करे, बाकी हमें किसी को भी भगवान जी को गिफ्ट नहीं करना चाहिए। उसके पीछे का रीजन ये होता है ना कि जैसे हमारे लिए हमारे पेरेंट्स हमको बहुत ज़्यादा प्रिय है, हम अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा लव करते हैं। क्या आप अपने पेरेंट्स की फ़ोटो उठा किसी और को गिफ्ट करेंगे? नहीं करेंगे। आपको लगेगा उसके अंदर क्या इंटरेस्ट है, क्या नहीं है, मेरे पेरेंट्स के लिए क्या रिस्पेक्ट है। सकता है जितना प्रेम, जितनी श्रद्धा आपके मन में है प्रभु जी के लिए, माता रानी के लिए, सामने वाले के मन में नहीं हो, उनके घर में हो सकता है माता रानी का या प्रभु जी की फ़ोटो का या मूर्ति का सही तरीके से देखभाल नहीं हो या अपमान हो जाए, तो उसका दंड आपको भी लगेगा ना। इसलिए शास्त्रों में मना किया गया है कि हमें भगवान की वस्तु नहीं देनी चाहिए, भगवान की फ़ोटो मूर्ति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, हमें अपने पास रखना है, हमें उनकी पूजा पाठ स्वयं करनी है, दूसरों से नहीं करवानी है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आपकी फ्रेंड माधुरी एस्ट्रोलॉजर शेयर करने जा रही हूँ आपको कौन से आइटम गिफ्ट करने चाहिए, कौन से नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी होता है, कभी कभी हम कुछ ऐसे आइटम्स गिफ्ट कर देते हैं जो कि हमारे लिए गुड लक लेकर के आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने लग्न कुंडली के हिसाब से नवम भाव के स्वामी का आपने आइटम गिफ्ट कर दिया। अब ऐसे में क्या होता है ना, हम अपने नवम भाव के स्वामी का आइटम गिफ्ट नहीं करते हैं, या फिर आपने अपने पंचमेश का गिफ्ट कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, आपने गिफ्ट तो किया खुशी खुशी से, पर उसके साथ आपका भाग्य भी चला गया। फिर आपको लगता है अरे मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अचानक से सारी चीज़ें गलत होने लगी। ऐसा क्यों? इसके पीछे का यही रीजन होता है कि हम जाने अनजाने कुछ गलतियाँ कर देते हैं जिसका दुष्प्रभाव हम सबको भुगतना पड़ता है। तो आप ऐसी गलती नहीं करें, मेरा यही प्रयास है। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ सारे गिफ्ट आइटम्स सजेस्ट करने वाली हूँ जो आप अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को, या जिन्हें आप पसंद करते हैं, या फिर आप मैरिड पर्सन हैं, अपने स्पाउस को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो मेरे बताए हुए आइटम गिफ्ट करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम एरीस राशि की। जी हाँ, अगर आपकी एरीस राशि है तो आप अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को रेड कलर के आइटम्स गिफ्ट कर सकते हैं, पर याद रहे आप ग्रीन कलर का आइटम उन्हें गिफ्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, टॉरस की। अगर आपकी टॉरस राशि है वृषभ राशि, तो आप ग्रीन कलर के आइटम्स अपने बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर सकते हैं, पर भूल कर भी उन्हें कोई भी पिंक कलर का आइटम आप गिफ्ट नहीं करेंगे।
एक बात और टॉरस राशि वालों, आप अपने बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड को प्लीज परफ्यूम गिफ्ट नहीं करेंगे, या किसी को भी आप परफ्यूम गिफ्ट नहीं करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि जेमिनी की। अगर आपकी राशि जेमिनी है तो आप पिंक कलर के आइटम्स गिफ्ट कर सकते हैं, और आपको जो आइटम गिफ्ट नहीं करना है वो होगा ऑरेंज कलर। जी हाँ, ऑरेंज कलर के आइटम आप किसी को कभी भी भूल के गिफ्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट राशि आती है कैंसर। कैंसर राशि वालों, आप ऑरेंज कलर के आइटम्स अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि येलो कलर के आइटम आप गिफ्ट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट राशि है सिंह। सिंह राशि वालों, लियो वालों, आप लोग येलो कलर के आइटम गिफ्ट कर सकते हैं, पर भूल करके भी ब्लैक कलर के आइटम गिफ्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो मून साइन आती है वो होती है वर्गो। वर्गो, आप लोग ब्लैक कलर के आइटम गिफ्ट कर सकते हैं, पर ब्लू कलर के आइटम गिफ्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट साइन जो है लिब्रा। लिब्रा वालों, आप ब्लू कलर के आइटम्स गिफ्ट करिए, पर येलो कलर के आइटम गिफ्ट नहीं करेंगे। स्कॉर्पियो, आपके लिए है कि आप येलो कलर के आइटम गिफ्ट करें, पर ऑरेंज कलर के आइटम किसी को गिफ्ट नहीं करेंगे। एंड सेगिटेरियस, आप लोग ऑरेंज और या फिर डीप रेड कलर के आइटम्स गिफ्ट कर सकते हैं, बस याद रहे कि आप पिंक कलर के आइटम गिफ्ट नहीं करेंगे। लास्ट की बची हुई तीन राशियां कैप्रिकॉर्न, आप पिंक कलर गिफ्ट कर सकते हैं, पर ग्रीन कलर के आइटम्स किसी को नहीं देंगे। एक्वेरियस, आप ग्रीन कलर के आइटम दे सकते हैं। और लास्ट राशि जो हमारी आती है पाइसेस। पाइसेस, आप लोग व्हाइट कलर के आइटम गिफ्ट कर सकते हैं, बट याद रहे कि आप डार्क रेड कलर के आइटम्स किसी को गिफ्ट नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, पहले मैंने यहाँ पे कलर थेरेपी यूज की, आप लोगों को मैंने कलर के बेस पे बताया कि आपको कौन से कलर के आइटम गिफ्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि आपको आपकी राशि ही नहीं पता है, फिर आपको क्या गिफ्ट करना चाहिए क्या नहीं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया आपको क्या गिफ्ट नहीं करना है, और आपकी राशि के हिसाब से आपको कौन से आइटम गिफ्ट करने हैं। अब बात करते हैं उनकी जिनको अपनी राशि ही नहीं पता है, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे। देखिए, आपको ऐसे केस में ना एमेथिस्ट, जी हाँ एमेथिस्ट एक स्टोन होता है जो कि लव से रिलेटेड होता है। मैं इजी लैंग्वेज में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं आपके साथ किसी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो तो आप उसे एमेथिस्ट स्टोन के गिफ्ट आइटम करें। फॉर एग्जांपल, आप चाहे तो उनको एमेथिस्ट का ब्रेसलेट गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप लॉकेट गिफ्ट करें, या फिर आप उसके खूब सुंदर सुंदर छोटे छोटे प्लांट भी आते हैं आप वो भी गिफ्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो फिर चॉकलेट भी गिफ्ट कर सकते हैं। चॉकलेट किसी को भी आप गिफ्ट करें, ऐसा माना जाता है ना चॉकलेट गिफ्ट करने से, मीठा आइटम गिफ्ट करने से अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, सामने वाले के मन में आपके लिए प्रेम और अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, तो आप चॉकलेट का भी गिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट करें, ड्राई फ्रूट गिफ्ट करने से भी हमारे रिश्ते अच्छे होते हैं और सामने वालों की हेल्थ भी तो अच्छी हो जाएगी, तो ड्राई फ्रूट गिफ्ट कर दें। और अगर आप चाहें तो फ्लावर्स भी गिफ्ट कर सकते हैं, जिसमें रजनीगंधा का फूल सबसे बेस्ट होता है। अगर हम रजनीगंधा का फूल किसी को देते हैं ना, तो ऐसा माना जाता है कि हमारे बीच की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। या फिर एक और आइटम, आप लाफिंग बुद्धा गिफ्ट करें। जी हाँ, लाफिंग बुद्धा गिफ्ट करना बहुत अच्छी बात होती है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है। और वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें, उनको भी अच्छा लगेगा आप इतनी अच्छी अच्छी वीडियो उनके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट लिंक को कॉपी करिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, इंस्टा पे और FB पे शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसी लगी है। हर हर महादेव, जय श्री राधे।